नमस्कार दोस्तों, मैं आरोही मैदान स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो चलिए चलते हैं अपनी खबर की ओर। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 9 दिसंबर को देश भर के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूले। आज का लाइक 800 है। हम उम्मीद करते हैं आप इसको जरूर पूरा करेंगे। आपको बता दें, उत्तर भारत में बड़ी ठंड, दिल्ली में चलेगी शीतलहर, कई राज्यों में होगी वर्षा। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट पर बना हुआ है। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ बुधवार से पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करेगा। निचले स्तरों में कोमोरिन क्षेत्र के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र महाराष्ट्र तट के पास पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बना हुआ है। स्काईमेट वेदर के अनुसार देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हुआ। तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्सों, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण असम, सिक्किम और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश संभव है। 9 दिसंबर को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और हिमपात संभव है। उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और गुजरात में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। 8 और 9 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वर्षा होगी और बर्फबारी होने की पूरी संभावना है। इसकी वजह से कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में 8 और 9 दिसंबर को बर्फबारी हो सकती है। उत्तर भारत में ठंड बढ़ी। उत्तर भारत में ठंड बढ़ने का सिलसिला जारी है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों में न्यूनतम पारा 7 से 8 डिग्री तक गिर चुका है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इधर देश के पहाड़ी इलाकों में बीते 3 से 4 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में बसे क्षेत्रों में ठंड और बढ़ने की आशंका है। 8 दिसंबर से दिल्ली में शीतलहर चलनी शुरू हो जाएगी। इसी वजह से दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। वहीं 9 दिसंबर को फिर से दिल्ली में बादल छाए रहने की उम्मीद है। यदि बात करें हिमाचल प्रदेश में मौसम की, तो यहां एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। 8 और 9 दिसंबर को हिमाचल में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। विभाग के अनुसार प्रदेश के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।